अमित जी, अगला सवाल है, आप हर रैलीज में बोल रहे हो कि आपको स्कीम चाहिए, बीजेपी को वोट दीजिए, स्कैम नहीं दूंगा, स्कैम नहीं स्कीम। लेकिन जो स्कैम यहाँ पे है, नारदा, शारदा, शारदा का 7 साल हो गया अमित जी, और नारदा का 5 साल, मतलब लोग परेशान हैं। जो लोग जिनका पैसा लूटा गया है, वो कोई मतलब फाइनल चार्जशीट ही नहीं होता। और इसलिए नहीं होता कि पहले का सारा रिकॉर्ड ममता जी ने अपनी सरपरस्ती से गुम कर दिया है। सीबीआई ढूंढ नहीं पा रहे नहीं हैं। नहीं कैसे ढूंढ पाएगी? आप राजीव के घर पर धरने पे बैठ जाते हो, कैसे ढूंढ पाएगी बताओ? मुख्यमंत्री को क्या करे हो राज्य के? भारतीय जनता पार्टी के हाथ सत्ता आने के बाद ही सारे रिकॉर्ड भाजपा की बंगाल सरकार के पास होंगे। ये सारी जांच द्रुत गति से होगी। और दूसरा सवाल जो आप पूछने वाले, कुछ लोग हमारे यहां भी आए हैं, तो वो किसी को हमने चार्जशीट से बरी नहीं किया है, अपना केस सब लोग लड़ रहे हैं। आप बोल रहे हो कोई नहीं बख्शेगा। मैंने ऐसा नहीं कहा है, काम कोर्ट का है, बचना ना बचना, हाँ हमने बरी नहीं किया है, जांच एजेंसी ने किसी को नहीं बरी किया है, हाँ ये कोर्ट का काम है। एथिक्स कमेटी 5 साल में एक मीटिंग तक नहीं हुआ नारदा के केस पे। एथिक्स कमेटी का चेयरमैन लालकृष्ण आडवाणी थे, अभी ओम बिरला साहब है शायद, लेकिन कोई एक मीटिंग में ही नहीं हुआ अमित जी नहीं, एथिक्स। इसके बाद तो कितने और सरकारें आ गई, मीटिंग का सवाल ही नहीं जब सीबीआई इसकी जांच कर रही है। मगर मैं इतना कहता हूं, चाहे कोई भी स्कैम हो, चाहे अम्फाम का हो, बुलबुल का हो, और चाहे और सारे घोटाले हो, डेयरी बेचने का घोटाला हो, ये सारे घोटालों के लिए हम एसआईटी बनाने वाले हैं। और यहां पर लोग समझते हैं कि पैसा खाकर हम मस्त रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाना पड़ेगा। গুজরাতেও অনিচ্ছুক কৃষক আছেন, কিন্তু সবার সঙ্গে আলোচনা করলেই রাস্তা বেরিয়ে আসে। জমি সমস্যা কাটিয়ে কিভাবে বাংলায় বড় শিল্প করা যাবে তা নিয়ে এবিপি আনন্দের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সুমন দেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ব্যাখ্যা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। बिग इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा जनरेट करते हैं काम, और बिग इंडस्ट्री होते तो एंसिलरी इंडस्ट्री से बहुत काम लोगों को मिलता है। लेकिन आपने एकदम जिस सवाल पे मैं जाना चाहता हूँ, लैंड एक्विजिशन, जो बंगाल का बहुत पुराना प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जो लैंड मूवमेंट करके आज ममता बनर्जी सत्ता पे आए थे, तो आप इंडस्ट्री करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ाएंगे, यहाँ तो बड़े रास्ते के लिए जमीन नहीं मिलता देखिए, है, मूवमेंट खड़ा हो जाता ऐसा है। है कि बहुत सारे राज्यों में ऐसी स्थिति थी, बहुत सारे राज्यों ने अपना लैंड बैंक बनाया है, सरकारी भूमि जो पड़ी है वो लैंड बैंक बनाया है, और बहुत सारे राज्यों ने किसानों का, उद्योगपतियों का और सरकार का जॉइंट कमेटी बनाकर इसके रास्ते ढूंढे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एस्टेट भी बने हैं। मैं नहीं मानता बंगाल के अंदर ये संभव है, मगर राजनीति छोड़कर दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसमें सबको साथ में लेकर धैर्यपूर्वक रास्ता निकलने का स्वभाव होना आपके चाहिए। गुजरात में अनविलिंग फार्मर्स हैं इतने संख्या में? अनविलिंग फार्मर्स जो जमीन नहीं देना चाहते हैं, ऐसे वो हैं ढेर गुजरात में? सारे हैं, मगर ढेर सारी सरकारी जमीन भी पड़ी है, और जब कमिटी बनती है तो डिस्कशन एक ऐसी चीज है जो सबको साथ मिला देती है। जब सरकार, इंडस्ट्रियल पार्क और किसानों के बीच में मीटिंग होती है तो अपने आप इसके रास्ते निकल आता है, मगर कोई पॉलिटिकल विल के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रयास तो करें। अमित जी, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ये कोशिश किया है और ऐसे बहुत सारे मीटिंग हुआ। लास्ट तो गवर्नर साहब तब गोपाल कृष्ण गांधी थे, उनके राजभवन में भी मगर हुआ। उनके साथ उनकी पार्टी नहीं थी ना, क्योंकि बुद्धदेव बाबू कम्युनिस्ट की थ्योरी के खिलाफ चल रहे थे। मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है, हम तो मानते हैं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रोजगारी मिलती है, मगर बैलेंस रखना चाहिए किसानों की भूमि को भी, इसकी मनसा से, इसकी विलिंगनेस से अधिग्रहित करना चाहिए, उसको भी उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उसको रोजगारी भी मिलनी चाहिए।